जय श्री कृष्णा, मेरा नाम पूजा है और मैं डीटैंगलिंग लाइफ के थ्रू आप लोगों को US घुमा रही हूँ और यहाँ का नया कल्चर बता रही हूँ। तो पिछले वीडियो में आप सबका इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देख के मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है और मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिला, एक अलग ही एनर्जी आ गई है मेरे में कि यस, मुझे ये करते रहना चाहिए, मुझे आप लोगों को मेरे साथ घुमाना है और बस मैं जहाँ जा रही हूँ बस वहाँ वीडियो ही ले रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सब बता सकूँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कैसा होता है, एवरीथिंग। तो आज का वीडियो है आइस स्केटिंग के बारे में। मैं आई हूँ न्यूयॉर्क सिटी के ब्रायंट पार्क में, जहाँ मैंने पहली बार आइस स्केटिंग की। पार्क के बीचों बीच आइस स्केटिंग का सेटअप किया हुआ है। ये सेटअप को बोलते हैं रिंक, जहाँ पे आपको देते हैं आइस स्केट्स और फिर आपने लेना है मज़ा आइस स्केटिंग का। तो ये देखो, हम आ गए हैं यहाँ पे स्केटिंग करने। यहाँ लाइन में रुक गए हैं अपने स्केट्स लेने के लिए और वहाँ थोड़ी बातें करते हुए ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगी। फिर हमने ये भाई साहब से अपने जूते लिए और उनको थैंक यू बोला और आ गए जूते पहनने के लिए। जूते पहन के फिर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, बस चल नहीं पा रहे थे हम, उसमें कैसे तैसे करके चल रहे थे। और ये सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर स्केट कर रहे हैं, तो मैं बस देख ही रही हूँ उन्हें और सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी इनके सामने और कितना ही बुरा करूँगी। मतलब आ ही गए तो कर ही लेते हैं, बुरा तो बुरा ही सही, कर ही लेते हैं। और ये देखो मैं बस चल रही हूँ अपना धीरे धीरे, स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड, ट्राइंग टू गेट देयर। मैं स्केट कर नहीं रही हूँ, मैं चल रही हूँ। फिर क्या, कैमरा में देखा और ये लो, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हम आ गए रिंग के बाहर क्योंकि हमारा टाइम हो गया था ख़त्म। तो ऐसा था मेरा फर्स्ट टाइम स्केटिंग एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया। इस बार मैंने आइस पे चलना सीखा है, अगले बार मैं जाके स्केट भी कर लूँगी। स्केटिंग ख़त्म करके हम आए ब्रायंट पार्क के ही क्रिसमस मार्केट में। मार्केट काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने सोचा पहले पेट पूजा कर ले, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे भाई स्केटिंग करके, बहुत बड़ा काम करके आए थे हम लोग। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही रहे होंगे इतने सारे लोग हैं, पता नहीं सब आज ही आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए हमारे साथ। पूरा मार्केट ऐसे लाइट से डेकोरेटेड था जिससे काफ़ी क्रिसमस वाइब्स आ रही थी। लोग अपने लव्ड वंस के लिए शॉपिंग करने आए हुए हैं यहाँ पे। लेडीज़ के लिए तो स्पेशली यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये देखो ज्वेलरी है, नेक्स्ट दे हैव बैग्स, क्लॉथिंग का भी है यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स। कुछ स्टोर्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे और हम पहुँच गए कश्मीर मून, इंडिया का ताज। बड़ा ही अच्छा लगा कश्मीर का नाम देख के। इसी तरह मार्केट एक्सप्लोर करके थोड़ी शॉपिंग करके हम निकल गए वापस घर की ओर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको और US मेरे साथ घुमाते रहूँगी और आप अपना ढेर सारा प्यार मेरे इस वीडियो पे भी देते रहना और मुझे बताते रहना कि मैं क्या और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।